ये बीटल को मारने के बाद जब मैं ऊपर जा रहा था, मैं ऊपर कूद कूद के मस्त एकदम खुश था, और फटाफट से मैं ऊपर जब चले जा रहा था, मैंने एक पैर आगे रखा, दूसरा पैर आगे रखा, तो मैं नीचे गिर गया और ओ तेरी भाई साहब। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, स्वागत है आप लोगों का सुबह के मोराज की वाली वीडियो में। तुम लोग देख ही सकते हो मैं खेलने जा रहा हूँ द ट्विंस का एक नया मोड, और तुम देखने वाले मेरे खेलते हो द ट्विंस का नया मोड। फटाफट से फट्टा हटाते हैं और बकवास बंद करते हैं और नीचे देखते हैं। यहाँ पे घर की हालत थोड़ी सी खराब है, पेंट वगैरह सब कुछ उखड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। मोड काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, फटाफट खेलते हैं, गंदगी गुंदगी से हमें कोई मतलब नहीं। ये ग्रैनी की जिम्मेदारी की वो साफ करेगी, हमें कुछ नहीं पता, फिलहाल इसे खोलते हैं। और यार जब तक तुम अपने नीचे में कमेंट सेक्शन में अपना हालचाल बता दो मेरे को। लेकिन ओहो हो, आते मिल चुका है डायनामाइट। आहा, अब तो कोई सा भी आ जाओ, कोई बात नहीं, डायनामाइट हो चुका है हाथ में ही। और मैं जा रहा था सीधा के सीधा बीटल के पास, मैंने करा कबूक उस समय, और फिर क्या हुआ देखो खुद। तो कबूक बीटल आ रहा था, बीटल को मैंने उठा दिया। फिलहाल मैंने उठाया था स्क्रू ड्राइवर, ये स्क्रू ड्राइवर उठाने के बाद देखो मैं जब यहाँ पे एक ऐसी घटना होने वाली थी कि जिस बारे में मेरे को पता नहीं था। मैं आराम से उछलता कूदता कूदता ऊपर जा रहा था, और उसी समय क्या होता है, मैं एक पैर आगे बढ़ाता हूँ, दूसरा पैर आगे बढ़ाता हूँ, और नीचे ही गिर जाता हूँ। और भाई साहब नीचे गिर गया मैं, तो ठीक है अभी फिलहाल ध्यान से खेलना चाहिए मेरे को। और अंधेरा होगा और ग्रैंड पा देख सकते हो तुम, ग्रैंड पा की एंट्री होगी। वाह, बॉल भी आ गए इसके, तो ग्रैंड पा के बॉल भी आ चुके हैं। वाह, ग्रैंड पा देख नहीं पा रहा क्या? हाँ देर आई एम, हाँ ठीक है ठीक है। ग्रैंड पा यार देखने में भी बड़ी दिक्कत हो रही, ग्रैंड पा को कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। ग्रैंड पा कहाँ रह गया अपना? तो ठीक है, ग्रैंड पा तो अपना आ ही रहा था, लेकिन पूरी ट्विंस फैमिली जो आने वाली थी वो नहीं पता था यार किसी को। तो द ट्विंस पूरी फैमिली आ चुकी, यही तो कहते हैं असली द ट्विंस फैमिली, चारों को चारों इकट्ठे आ रहे एक बंदे को मारने के लिए। बताओ अब इस बात को तुम क्या कहोगे? कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेंगे हम, सीधा कट लेंगे बस यहाँ से, ठीक है। फिलहाल मैं बीटल के पास दोबारा आया था क्योंकि मेरा स्क्रू ड्राइवर यहीं पर गिर गया था, इसे वापस उठाने के लिए आया था, और इसको लेके मैं प्यार से चुपचाप जा रहा था। और जब मैं वापस जा रहा था यहाँ से, मेरा मेरे को आयरन को मैंने सोचा क्रोबार यहीं फेंक दूँ, इसकी क्या जरूरत अब, लेकिन इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे फेंक दिया था। और फिर मैंने फट्टा लगाया, फट्टा लगाने के बाद यहाँ से चारों के चारों नट मैंने खोलने की कोशिश करी, और मैंने चारों के चारों नट खोल दिए। और फिर उसके बाद मैंने उठाई अपनी पेंटिंग, और पेंटिंग उठाने के बाद सीधा गया मैं नीचे। आ, सिलेंडर का मास्क लगा के रखो, खतरे से बचे रहोगे तो मास्क जरूरी है। मास्क हमें ग्रैनी ग्रैंडपा से और ट्रिविन से प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैंने अभी दो डोर हैंडल लगाए ताकि मेरे को कुछ स्विच बोर्ड की जैसा कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिलहाल अभी मेरे को मिल चुका है क्रोबार और पंप हैंडल की मदद से मिला मेरे को हैंडविल, और हैंडविल को फटाफट से मैं नीचे लगा गया था, सारा पानी निकाल दूंगा, ठीक है। फटाफट से उछलता कूदता मैं गया और ये हैंडविल मैंने लगा दिया था। और फिर उसके बाद अब गोल्ड कॉइन हमारा खुल चुका होगा, तो अब मैंने सोचा आयरन को भी लगा हाथ लगा ही देता हूँ। और आयरन को लगाने के बाद मैंने सोचा डिस्पेंसर में से अब कोई आइटम भी निकाल लूँ बढ़िया सा, और उसमें से देखते क्या निकलेगा। लेकिन इसमें से मिली मेरे को स्विच बोर्ड की, जो कि वाकई काम की चीज़ है, इससे मेरे को मिलेगा डायमंड, ठीक है। अभी फिलहाल स्विच बोर्ड की मैंने इसमें लगा दी थी, और फिर मेरे को मिल जाता है डायमंड। लेकिन अब देखना क्या होता है यहाँ पे, एकदम गलत सीन हो जाएगा, मैं तो डर गया था एक वक्त पर पूरा। ये जब मैंने डायमंड उठाया सीधा बक ने देख लिया वो मास्क हटाते हुए, और मैं तो भाई छुप गया फटाफट से। मैं सोच रहा था एक वक्त वो गया, लेकिन आखिरी वक्त पे ये खुल गया भाई, मैं बच गया। और इसके बाद मैं फटाफट मस्त होकर नीचे जा रहा था, ये बक फिर भी मस्त चोड़ में जा रहा था। लेकिन यार मैं भूल गया रेड की उठाना, क्योंकि यहाँ पर रेड की थी, मेन डोर एस्केप करते हैं क्योंकि उसके आइटम मेरे पास हो चुके थे, ठीक है। तो ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे बहुत मज़ेदार सीन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो फिलहाल यहाँ पे ओ भाई साहब क्या सीन होगा, मज़ा आ गया। तुम्हें भी स्ट्रैटेजी पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को बस, ठीक है। अभी फिलहाल अब मस्त हो कि नीचे जा रहा था, ग्रैंड पा भी नीचे जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा मैं इसे पहले चला जाऊँ और फटाफट ये सिक्का उठा के लेके भाग जाऊँ। ये सिक्का मैंने फिर उस समय उठाया और रेड की को यहीं पर गिरा दिया, और फटाफट मस्त हो के ऊपर चला गया। ग्रैंड पा यहाँ पर देखने आया, जब तक वापिस भी ग्रैंड पा कल्टी मार गया, लेकिन ग्रैंड पा इतनी धीरे धीरे जा रहा था, मैं इसके पीछे भी जा रहा था, ठीक है। फटाफट से अपना एस्केप करते हैं, यहाँ पे मेरे को चाहिए एक आयरन डिस्क हैवी थिंग लगाने के लिए, तो ठीक है ये आयरन डिस्क उठाते हैं फटाफट से। और मैंने उस समय लगाई सीधा दरवाजे में, और फिर ग्रैनी ने भी देख लिया था, पेंटिंग उठाई, फिर क्या एस्केप करते हैं। तो चलो गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर सब्सक्राइब हो जाना। फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।